तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे पोको M2 प्रो के यूज़र हैं तो आज आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो वो गुड न्यूज़ देने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली YT चैनल पर Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पर न्यूज़ आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता के बना के वीडियो को दिखा देता हूँ। तो आप सब जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे न्यू OTA फाउंड हो चुका है पोको M2 प्रो के लिए, कि हमारे पास अब पोको M2 प्रो में 12.5.2.0 का RJPINXM यानी कि एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट M2 प्रो के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। और ये अपडेट बिल्कुल स्टेबल अपडेट होगा, यानी कि ये अपडेट हमें सबसे पहले MI पायलट्स में देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद ये सेम अपडेट हमें पब्लिक में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आज इस अपडेट को यहाँ पे फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है पोको M2 प्रो के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस अपडेट का जो साइज़ है वो आपको 816 MB का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो अभी 12.5.0.7 जो MI पायलट्स में आया था और 12.0.1.0 एंड्रॉयड 11 पे अपडेट उस पे भी आया था, तो बहुत सारे यूज़र्स उस अपडेट को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर अभी आप 12.0.4.0 एंड्रॉयड 10 के अपडेट पर हैं तो आपको इस अपडेट का साइज़ 2.4 GB का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 12.5.2.0 RJPINXM। और ये अपडेट आपको MIUI 12.5 के एनहेंस का अपडेट है और आपको इसमें मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और इस अपडेट में आपको अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें M2 Pro के लिए देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पे ये M2 Pro के 12.5.2.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट MI पायलट्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये अपडेट हमें पब्लिक में कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि ये अपडेट हमें MI पायलट्स में सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद ये अपडेट हमें पब्लिक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज ये अपडेट हमें MI पायलट्स में देखने के लिए मिल गया है। आज हमारी 5th of November हो चुकी है, तो ये हमें लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक पब्लिक यूजर्स के लिए रिलीज़ कर दिया जाएगा पोको M2 प्रो के लिए 12.5.2.0 का एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट। और अगर आप इसके फुल फीचर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके फुल फीचर्स की भी वीडियो बहुत ही जल्द अपने ऑफिशियली YT चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप सब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसके फुल फीचर्स की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन पोको M2 Pro से रिलेटेड, कि आपको ये अपडेट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है 12.5.2.0 का RJPINXM एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड MIUI 12.5 के एनहेंस का अपडेट। ये अपडेट आपको 12.5 के एनहेंस का अपडेट देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे अभी 12.0.4.0 को एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस अपडेट का साइज 2.4 GB का मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे अभी 12.0.1.0 एंड्रॉयड 11 को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस अपडेट का साइज 816 MB का मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 12.5.0.7 जो MI पायलट्स में आया था, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस अपडेट का साइज़ केवल 214 MB का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इस अपडेट में आपको अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने के लिए मिल ही गया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन पोको M2 Pro से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।